गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिवीजन एक्सरसाइज 2 करेंगे। ये हमने नहीं किया था, सैटरडे के लिए छोड़ा हुआ था, क्योंकि सैटरडे संडे दो दिन है आपके पास, तो आपको ये दोनों दिन में ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये एडिशन है, इन सबको प्लस कर देना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको चारों एडिशन है, बहुत ही सिंपल है। आपने किया हुआ है तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना है, ये दोनों भी आप कर सकते हैं। मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम एक दो करके बता देती हूँ कैसे करना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन। फ्रॉम का मतलब है आपको इसमें से इसको माइनस करना है, क्योंकि ये आपका बड़ा नंबर है, ये छोटा है। क्वेश्चन लिख लेना आप, मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। 7, 6, 2, 1, 1। इस साइड से शुरू करेंगे, हमने काउंट नहीं किया इसलिए। 7, 9, 2, 6, 3, 8, 4, 7, 4, ठीक है। अब माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना होगा कि मिक्सअप है, हमारे कुछ एडिशन के भी सम है और कुछ हमारे सब्ट्रैक्शन के भी सम है, वर्ड प्रॉब्लम है। देयर आर दिस वन मैन एंड दिस वन वुमेन एंड दिस वन चिल्ड्रन इन अ कंट्री, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसमें आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखेंगे और तीनों को आपको प्लस कर देना है, ठीक है। प्लस करके जो आंसर आएगा वही होगा आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 है, दिस वन केजी, ये केजी है, सब केजी दिया हुआ है। कॉफ़ी वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स। कंजिक्यूटिव ईयर्स मतलब 3 साल का, 3 लगातार सालों का दिया हुआ है कि कितना कॉफ़ी प्रोड्यूस हुआ इंडिया में। तो टोटल अमाउंट ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस्ड इन दिस ईयर, तो ये तीनों साल का जो दिया हुआ है हमारा कि कितने कॉफ़ी प्रोड्यूस हुए, इन तीनों को हमें प्लस करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस वन, इफ वन नंबर इज दिस वन फाइंड द अदर। इसमें क्या करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। आंसर 10, स्टेटमेंट आपको वर्ड प्रॉब्लम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट नहीं था, उसमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट था, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। द सम ऑफ टू नंबर्स, यहाँ लिख देंगे सम ऑफ टू नंबर्स इज कितना है, 6168 3027, 1 नंबर इज इक्वल टू 3718 9675, ठीक है। तो अनदर नंबर क्या होगा, यहाँ पे स्पेस कम है, नहीं तो यहीं पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 6168 3027, मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके आंसर नहीं निकालूंगी, आप खुद कर लेना, मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे रही हूँ। 6 9 8 1 7 3, ठीक है। अब जो भी है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सेम है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस वन सो दैट द सम बिकम्स 9537। इसमें आपको कितना ऐड करेंगे कि ये नंबर आएगा,
तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। व्हाट शुड बी एडेड, कितना ऐड करेंगे इसमें कि ये मिलेगा। जैसे आपको एक सिंपल क्वेश्चन में यहाँ पे आप छोटा नंबर लेके बताती हूँ, व्हाट शुड बी एडेड टू 10 सो दैट 10 सम बिकम 15। 10 में हम कितना ऐड करेंगे कि 15 आएगा, तो क्या करते हैं हम 15 में से 10 को माइनस कर देंगे, यानी कि 5 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब चूँकि सिर्फ आपको नंबर भरा है इसलिए देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसमें से उसको माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। इन एन एग्जामिनेशन दिस वन स्टूडेंट पास्ट, आउट ऑफ दिस स्टूडेंट गॉट फर्स्ट डिवीजन एंड दिस वन गॉट सेकेंड डिवीजन एंड द रिमेनिंग ऑफ द थर्ड डिवीजन, हाउ मैनी गॉट थर्ड डिवीजन। एक एग्जामिनेशन में, चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी बता देती हूँ मैं आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट, कितने स्टूडेंट पास हुए, 1907 06 08, ठीक है। आउट ऑफ दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स got first division कितने हुए, 2680450, ठीक है। number of students got second division, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है डिवीज़न, DIV, जगह कम है इसलिए, ठीक है। 4285803। अब आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा पास कितने हुए, टोटल स्टूडेंट पास का ये फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न का इधर है, आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन द थर्ड डिवीज़न, ठीक है। तो हम यहाँ भी लिख लेंगे नंबर ऑफ students passed in third division, ये नहीं दिया है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, number of students passed in फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीज़न, फर्स्ट और सेकेंड डिवीज़न में कितने स्टूडेंट पास हुए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ नीचे लिख के हम प्लस कर लेंगे, 2680450, ठीक है। हम प्लस करेंगे इसको 4285803, ठीक है। इतने स्टूडेंट हमारे फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न में पास हो गए, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया है। अब जो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए हैं उनमें से इसको माइनस कर लेंगे तो थर्ड डिवीज़न का निकल जाएगा। देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन थर्ड डिवीज़न, ठीक है। क्या होगा, टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे, 1907060 08, यहाँ से लिख लेंगे 3526696, ठीक है। इतने स्टूडेंट हमारे थर्ड डिवीज़न में पास हुए, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 भी करेंगे, बहुत सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, प्लस कर देना है 13 में, और 14 में क्या करना है, कंट्री का पॉपुलेशन दिया हुआ है, मैन दिया है, वुमेन निकालना है, माइनस करना है।
तो आपको मैंने 1 to 15 सारे समझा दिए हैं, आप लोग आज से कल तक सारे पूरा करेंगे, ठीक है।